अमित शाह मास्टरमाइंड नहीं है, प्रेस और मीडिया ने उनको बना दिया है। चूंकि मीडिया घराना उनके कब्जे में है, पत्रकार नहीं, मीडिया घराना, चुनाव आयोग उनके कब्जे में है। जैसे वो चाहते हैं वैसे मीडिया से बोलवा लेते हैं, जो कहते हैं वो मीडिया उनकी छाप देती है, और जैसे वो कहते हैं चुनाव आयोग वैसा काम कर रहा है। एक बार राज्य मंत्री रहे हैं अमित शाह, और कैसे इतना माइंड हो गए हैं, इतना झूठ आश्वासन जनता को उन लोगों ने दिया कि जनता को लगा कि अखिलेश यादव ने जो विकास का काम था वो तो कर ही दिया, और भारतीय जनता पार्टी हम लोग को स्वर्ग में पहुंचा देगी। जब चुनाव आता है इनको हिंदुत्व याद आता है, राम हमारे लिए आराध्य देव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट देव है। अहम में सनातन धर्म सभी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अर्थ कुंभ को इन्होंने कुंभ कह दिया, कुंभ को महाकुंभ कह दिया, अब महाकुंभ को खत्म कर दिया। अभी एक उप मुख्यमंत्री जी ने मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा है। अब बताइए मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी का परसों बयान आया था, हमारे भी नेता रहे हैं, कि राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। इसका मतलब न्यायालय को भी लोग प्रभावित कर रहे हैं। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो स्वामी जी को कैसे मालूम होगा कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, कि मुसलमानों के पक्ष में आएगा, कि ईसाइयों के पक्ष में आएगा। ये लोग हर संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को चौपट कर रहे हैं, चाहे न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान से छेड़छाड़ का जो लोग करना चाहते हैं, ये देश को बर्बाद के किनारे पर लेकर के खड़े हो गए, बर्बादी के किनारे पर देश चलाता जा रहा है। और मैं आपसे सही कहूँ कि अगर 19 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने जिता दिया तो संविधान को भी ये लोग बदल देंगे, लोकतंत्र को भी खत्म कर देंगे। जो आरएसएस का पहले से बना बनाया हुआ संविधान है, आरएसएस की जो नीतियां हैं हिटलर की हैं, आरएसएस का जो प्रचार का भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोबेल्स था, उसी आधार पर इनकी पूरा, उसी के सिद्धांत पर इनका पूरा सिद्धांत है। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, हिंसा तो भाजपा करवा रही है। जब सरकार में नहीं था, योगी जी कहते हैं कि हम सरकार में तो दंगा नहीं, भाई दंगा तो आप ही लोग करवाते थे। और इसी नूरपुर किनारा चुनाव में खूब इन लोगों ने प्रयास किया, चुनाव के बीच में भाषण में दंगा कराने का, हिंदुओं ये हो जाओ, मुसलमानों ने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जम के हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और अजीत सिंह के दल को वोट दिया। अब जनता समझ चुकी है भाई दंगा में वहां दोनों पक्ष जेल में है, जहां चुनाव शामिल हो रहा था, हिंदू भी जेल में है, मुसलमान भी जेल में है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी मजा काट रही है। तो उसको महसूस हो गया कि ये दंगा करा रहे हैं सब अपने लाभ के लिए, हम लोग परेशान हो गए। गन्ना क्षेत्र जब से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कालिदास मार्ग खुला, तो उसे कालिदास मार्ग गए नहीं, मैं देखा भी नहीं। मुख्यमंत्री जी के आवास का जो टॉयलेट है उसका भी भगवाकरण हो रहा है, तो क्या कहेंगे? ये तो कुछ अधिकारी भी अपने मन से कर लेते हैं, लेकिन भगवाकरण करने से नहीं होता। हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने भगवा वस्त्र, जो हिंदुओं का एक धार्मिक प्रतीक का वो वस्त्र है, उसको उन्होंने बदनाम कर दिया, असत्य बोल करके, असत्य आचरण करके और जनता को धोखा दे करके। तो इस बार 2019 का जो रण होगा, अभी तक जैसे सफलता मिल रही है वैसे आगे भी मिलेगी।